स्वागत है आपके अपने चैनल के टू फैंटासी स्पोर्ट्स में। बांग्लादेश प्रीमियर लीग कोमिला विक्टोरियंस वर्सेस फॉर्च्यून वोडिसन, डेट 7 फरवरी 2023, टाइम शाम के 6 बजे, मैच नंबर 38। मैच वेन्यू की बात कर तो शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम मीरपुर ढाका बांग्लादेश में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें, यह एक संतुलित पिच है। इस पिच पर अब तक कुल 218 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 100 मैच जीते हैं और पहले गेंदबाजी करने वाले टीम ने 117 मैच जीते हैं। इस पिच पर औसत स्कोर 151 है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना सही फैसला होगा। वेदर रिपोर्ट की बात करें, ढाका बांग्लादेश में मौसम धुंध जैसा है। मैच के दिन तापमान 44% आर्द्रता और 5.8 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की गति के साथ लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वही विजिबिलिटी 4 किलोमीटर है। खेल के दौरान वर्षा की संभावना 42% है। फाइनल टीम की अपडेट आपको टेलीग्राम की चैनल पर मिलेगा। टॉस एंड प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम स्कोर रिकॉर्ड की बात करें तो टोटल मैच 218 खेला गया है। बैटिंग फर्स्ट वाले 100 मैच जीते हैं, बॉलिंग फर्स्ट वाले 117 मैच जीते हैं। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 151 है, सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 136 है। हाइएस्ट टोटल 218 है 2 विकेट के नुकसान पर, लोएस्ट टोटल 44 है 10 विकेट के नुकसान पर। हाइएस्ट चेस्ट वाय 207 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि लोएस्ट डिफेंडेड है 99 9 विकेट के नुकसान पर। कोमिला विक्टोरियंस क्रिकेट टीम इंजरी की बात करें तो इसका अभी तक कोई चोट अपडेट नहीं है। फॉर्च्यून बोरिसल क्रिकेट टीम इंजरी की बात करें तो इसका भी अभी तक कोई चोट अपडेट नहीं है। कोमिला विक्टोरियंस वर्सेस फॉर्च्यून बोरिसल ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की बात करें तो फॉर्च्यून बोरिसल हाल के मैचों में अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, वह मैच जीतने के प्रबल दावेदार हैं। कोमिला विक्टोरियंस वर्सेस फॉर्च्यून बोरिसल हेड टू हेड की बात करें तो कोमिला विक्टोरियंस 2 मैच जीते हैं, जबकि फॉर्च्यून बोरिसल 3 मैच जीते हैं। कोमिला विक्टोरियंस टीम की बात करें तो यह लगातार 5 मैच जीते हैं। सिकत अली पहला मैच में 10 बॉल पर 15 रन की पारी खेले थे, 12 बॉल पर 20 रन की पारी खेले, 21 बॉल पर 16 रन की पारी खेले, 30 बॉल पर 22 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में 2 बॉल पर 0 रन की पारी खेले। पहला मैच में यह 1 विकेट निकाले, अगला 2 मैच में यह बॉलिंग नहीं किए थे, फिर अगला मैच में विकेट ले रहे हैं और आखिरी मैच में यह 3 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो यह विकेट कीपर है, जो 47 बॉल पर 61 रन की पारी खेले, 39 बॉल पर 73 रन की पारी खेले, 47 बॉल पर 54 रन की पारी खेले, 7 बॉल पर 3 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में 47 बॉल पर 55 रन की पारी खेले। इमरुल कायस की बात करती है, टीम का कैप्टन है, जो 11 बॉल पर 15 रन की पारी खेले, 3 बॉल पर 5 रन की पारी खेले थे, अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर 22 बॉल पर 28 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 26 बॉल पर 33 रन की पारी खेले थे। जॉनसन चार्ल्स की बात करें तो पहला मैच में 12 बॉल पर 9 रन की पारी खेले, 56 बॉल पर 107 रन नॉट आउट की पारी खेले थे, 22 बॉल पर 39 रन की पारी खेले, 25 बॉल पर 32 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में 19 बॉल पर 20 रन की पारी खेले थे। मोसादेक हुसैन की बात करें तो 27 बॉल पर 37 रन नॉट आउट की पारी खेले, 1 बॉल पर 4 रन नॉट आउट की पारी खेले थे, अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर 11 बॉल पर 9 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे। पहला मैच में यह विकेट लेस रहे थे, अगला 2 मैच में यह 1-1 विकेट निकाले, फिर अगला मैच में यह बॉलिंग नहीं किए थे और आखिरी मैच में यह 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। जेकर अली की बात करें तो यह विकेट कीपर है, जो 7 बॉल पर 10 रन नॉट आउट की पारी खेले थे, अगला 2 मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर 10 बॉल पर 20 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 3 बॉल पर 3 रन की पारी खेले थे। माहिदुल इस्लाम अनकॉन की बात करें तो यह विकेट कीपर है, जो पहला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर 27 बॉल पर 11 रन की पारी खेले, 64 बॉल पर 41 रन की पारी खेले, 99 बॉल पर 79 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में 3 बॉल पर 1 रन की पारी खेले थे। तानवीर इस्लाम की बात करें तो पहला मैच में यह 2 विकेट निकाले थे, अगला मैच में विकेट लेस रहे, फिर 1 विकेट निकाले, फिर विकेट लेस रहे थे और आखिरी मैच में यह 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो यह लगातार 2 मैच में विकेट लेस रहे थे, अगला मैच में 1 विकेट निकाले और आखिरी 2 मैच में यह विकेट लेस रहे थे। हसन अली की बात करें तो पहला मैच में 2 विकेट निकाले, अगला मैच में 1 विकेट निकाले, फिर 2 विकेट निकाले थे और आखिरी 2 मैच में यह विकेट लेस रहे थे। अब्रार अहमद की बात करें
तो पहला मैच में विकेट लेस रहे थे, अगला मैच में 5 विकेट निकाले, अगला 2 मैच में यह 6-6 विकेट निकाले थे और आखिरी मैच में यह 11 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। बेंच प्लेयर की बात करें तो भानु का राजा फक्षा है, ब्रेंडन किंग है, डेविड मल्लान है, लिटोन दास है, आमिर जमल है, आंद्र रसेल है, जॉस कॉब है, मोइन अली है, मोहम्मद नवी है, सिन विलियम्स है, सदव खान है, सुनील नारायण है, वलंदु हसरंगा है, चैडविक वाल्टन है, विकेट कीपर खुशदिल शाह है, नसीम शाह है, आसिकुड जमन है, अबू हैदर है, फजल हक फ्रूकी है, मुकीदुल इस्लाम है, नईम हसन है और साहिन अफरीदी है। फॉर्चून बरिसल टीम की बात करें तो पहले विन, फिर लॉस, फिर विन, फिर लॉस और आखिरी में 1 विन। अन्नामुल हक विकेट कीपर है जो 7 बॉल पर 12 रन की पारी खेले थे, 35 बॉल पर 42 रन की पारी खेले, 50 बॉल पर 78 रन की पारी खेले, 8 बॉल पर 3 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में 8 बॉल पर 6 रन की पारी खेले थे। फजल महमूद की बात करें तो पहला मैच में 29 बॉल पर 39 रन की पारी खेले, अगला 2 मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर 114 बॉल पर 65 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 19 बॉल पर 11 रन की पारी खेले थे। इब्राहिम जादरन की बात करें तो 23 बॉल पर 33 रन की पारी खेले, 4 बॉल पर 2 रन की पारी खेले, 37 बॉल पर 42 रन की पारी खेले, 3 बॉल पर 0 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में 20 बॉल पर 27 रन की पारी खेले थे। साकिब अल हसन की बात करें तो यह टीम का कैप्टन है जो 21 बॉल पर 36 रन की पारी खेले, 4 बॉल पर 5 रन की पारी खेले, 6 बॉल पर 2 रन की पारी खेले, 18 बॉल पर 29 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में 17 बॉल पर 30 रन की पारी खेले थे। पहला मैच में यह 1 विकेट निकाले थे, अगला मैच में 2 विकेट निकाले, फिर विकेट लेस रहे थे, फिर 1 विकेट निकाले और आखिरी मैच में यह विकेट लेस रहे थे। इफ्तिकर अहमद की बात करें तो 31 बॉल पर 51 रन नॉट आउट की पारी खेले, 10 बॉल पर 10 रन की पारी खेले, 20 बॉल पर 13 रन की पारी खेले थे, 13 बॉल पर 17 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 34 बॉल पर 56 रन की पारी खेले थे। पहला मैच में जब बॉलिंग नहीं किए थे, अगला 3 मैच में जब विकेट लेस रहे थे और आखिरी मैच में जब बॉलिंग नहीं किए थे। करीम जनत की बात करें तो 8 बॉल पर 16 रन की पारी खेले, 5 बॉल पर 17 रन की पारी खेले, 12 बॉल पर 31 रन की पारी खेले, फिर 12 बॉल पर 21 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे। पहला मैच में यह 4 विकेट निकाले, अगला मैच में 1 विकेट निकाले, अगला 2 मैच में यह विकेट लेस रहे थे और आखिरी मैच में यह 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। महमदुल्ला की बात करें तो पहला मैच में 2 बॉल पर 4 रन नॉट आउट की पारी खेले, 27 बॉल पर 39 रन की पारी खेले, 0 बॉल पर 0 रन की पारी खेले, 4 बॉल पर 7 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में 31 बॉल पर 35 रन की पारी खेले थे। इबादत हुसैन की बात करें तो लगातार 2 मैच में यह विकेट लेस रहे थे, अगला मैच में 1 विकेट निकाले, फिर विकेट लेस रहे थे और आखिरी मैच में यह 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। सलमान हुसैन की बात करें तो पहला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर 12 बॉल पर 14 रन की पारी खेले, 14 बॉल पर 18 रन की पारी खेले, 108 बॉल पर 44 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में 190 बॉल पर 77 रन की पारी खेले थे। पहला मैच में जब बॉलिंग नहीं किए थे, अगला मैच में जब विकेट लेस रहे थे, फिर बॉलिंग नहीं किए थे, फिर 6 विकेट निकाले और आखिरी मैच में जब विकेट लेस रहे थे। खालिद अहमद की बात करें तो पहला मैच में 2 विकेट निकाले थे, अगला मैच में विकेट लेस रहे, फिर 2 विकेट निकाले, फिर विकेट लेस रहे थे और आखिरी मैच में यह 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। मोहम्मद वसीम की बात करें तो पहला मैच में 1 विकेट निकाले, अगला मैच में विकेट लेस रहे, फिर 1 विकेट निकाले, फिर 3 विकेट निकाले थे और आखिरी मैच में यह 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। बेंच प्लेयर की बात करें, सैफ हसन है, हैदर अली है, चतुरंगा डे सिल्वा है, मेहंदी हसन है, रहकीम कर्नवल है, कुशल फरेरा है विकेट कीपर, रहमानुल्ला गुरबाज है, संजामुल इस्लाम है, कमरुल इस्लाम है, कैसरिक विलियम्स है, नवीन उल हक है, काजी ऑनिक है और उस्मान कादिर है। फाइनल टीम की अपडेट आपको टेलीग्राम की चैनल पर मिलेगा। टॉसन प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप तक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। प्लेयर की बात करें तो विकेट कीपर से मोहम्मद रिजवान को रखें और अन्नामुल हक को रखें, बैट्समैन से जॉनसन चर्लेस को रखें, इब्राहिम जादरन को रखें, इफ्तिकर अहमद को रखें और सिकत अली को रखें, ऑलराउंडर से साकिब अल हसन को रखें, करीम जनत को रखें और मोसादेक हुसैन को रखें, बॉलिंग से हसन अली को रखें और
मोहम्मद वसीम को रखे हैं। कैप्टन की बात करें तो कैप्टन साकिब अल हसन है और वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान है। टीम प्रीव्यू की बात करें तो कैप्टन साकिब अल हसन है और वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान है। यह फाइनल टीम नहीं है दोस्तों, फाइनल टीम आफ्टर टॉस के बाद दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है।